कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट 24 पर, खबर काम की। बुलियन बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो बुलियन बाजार में कल के दिन अमेरिका द्वारा जो फेड की मीटिंग करी गई जिसमें इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें बढ़ाने की चर्चा हुई, तो ब्याज दरें बढ़ने की वजह से कल के दिन सोने और चांदी में जबरदस्त तरह की तेजी देखी गई और आज भी वही तेजी बाजारों में बरकरार देखी जा रही है। सोने की कीमतों में भी आज लगभग 500 रुपए तक की जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार हुआ है, जबकि बात चांदी की अगर बात करते हैं तो कीमतों में 1500 से लेकर 2000 रुपए तक की तेजी आज चांदी की कीमतों में आई है। तेजी आने के बाद किस तरह की कीमतें बाजारों में चल रही हैं, इस बारे में हम लोग खबरों में आगे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। तो सबसे पहले बुलियन बाजार में कीमतों के बारे में बात करते हैं। सोने में तेजी जो देखी जा रही है उसको देखते हुए 10 ग्राम सोने का बाजारों में आज का रेट 51,450 रुपए है और 1 ग्राम सोने की कीमतें आप 5,145 रुपए देखकर चल सकते हैं और सिल्वर यानी चांदी की कीमतों में लगभग 2000 रुपए तक की तेजी के साथ कारोबार देखा गया है। 1 किलोग्राम चांदी का जो रेट चल रहा है बाजारों में वो 58,200 रुपए है और 10 ग्राम की कीमतें 582 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। तो जबरदस्त तरह की तेजी बाजारों में देखी गई है। अमेरिका द्वारा जो फेड की मीटिंग है उसका असर सीधा बाजारों पर पड़ रहा है और इसी वजह से जिनको हमने खरीदारी करने की सलाह दी थी, जो कि अच्छे लेवल के आसपास बाजारों में सोने में 50,000 के आसपास खरीदारी करके चल रहे थे, उनके लिए ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुक करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो बाजारों में जो हाईली पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा रहा है लगातार तेजी को देखते हुए, ऐसे में हमारी सलाह बाजारों में यही है कि बाजारों में जिन्होंने खरीदारी करी है गिरावट पर, वो ऊपरी स्तर पर सतर्क जरूर रहें और टाइम टू टाइम सोने और चांदी में अपना प्रॉफिट बुक करते हुए जरूर चलें। ओवरऑल बाजारों में ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो ट्रेंड इस वक्त हाईली पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।